1980 का दशक था जब इंडिया जापान की साझेदारी हुई और उस समय इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति का समय उत्पन्न होने लगा। यामाहा की RD 350 देख लो या फिर यामाहा की RX 100, ये वो मोटरसाइकिल्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है और आज भी लोग इन दोनों मोटरसाइकिल्स को अपने गैराज में रखने के लिए तरसते हैं। खैर, अब समय आ चुका है यामाहा की FZ सीरीज और R15 का। लेकिन स्कूटर सेगमेंट में यामाहा हमेशा से ही पीछे रहा है, पर अब यामाहा एरोक्स 155 भारत में लॉन्च करने के बाद यामाहा स्कूटर सेगमेंट में एक नया सेगमेंट उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं NBT लाइव और ये है यामाहा एरोक्स 155। यामाहा इसे एक मैक्सी स्टाइल स्पोर्ट्स स्कूटर कह रही है जिसका डिजाइन पूरी तरह अलग है और जब ये स्कूटर सड़कों पर चलता है ना, तब लोग इसे पलट पलट कर देखते हैं। फ्रंट में ट्विन LED हेडलैम्प और रियर में भी LED लाइट देखने को मिल जाती है, लेकिन टर्न इंडिकेटर्स आपको LED देखने को नहीं मिलते। हालांकि एक्सेसरीज के तौर पर आप LED इंडिकेटर्स लगवा सकते हैं और इसके लिए ₹1750 ज़्यादा देने होंगे। फ्रंट में दिखने में एक काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहा है और ऊपर की तरफ दिया गया छोटा सा विंडशील्ड इसे काफ़ी स्पोर्टी भी बनाता है, जैसा आपने FZ सीरीज की बाइक्स में देखा होगा। साइड से देखते हैं तो यहाँ आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये है क्या। कहीं स्कूटर नज़र आएगा तो कहीं कुछ झलक इसमें बाइक की देखने को मिल जाएगी। फ्लोर बोर्ड फ्लैट नहीं है और यहाँ उतना ज़्यादा स्पेस भी देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट जब आप बैठते हैं तो ये मोटरसाइकिल जैसा ज़्यादा लगता है और मोटरसाइकिल की तरह ही इसमें आगे की तरफ फ्यूल टैंक भी दिया गया है। इसके अलावा आपको इसमें एक छोटा सा ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है और इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ USB पोर्ट कंपनी को देने की ज़रूरत थी। अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 24.5 लीटर का मिल जाता है और इसमें आप फुल फेस हेलमेट तो रख सकते हैं, लेकिन उसे आप प्रॉपर सीधा नहीं रख सकते, आपको हेलमेट उल्टा करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें ना तो कोई LED लाइट मिलती है और ना ही कोई चार्जिंग पोर्ट कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। की इग्निशन के पास देखते हो तो यहाँ पर आपको फ्यूल और सीट ओपन करने के लिए डेडिकेटेड 2 बटन दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो यहाँ रेव काउंटर आप देख सकते हैं और काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, जिसमें ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर और फ्यूल कंजप्शन मौजूद हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा इसमें आपको मिल जाती है, लेकिन आपको इसके लिए यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें पार्क्ड लोकेशन, माल फंक्शन, कॉल अलर्ट्स और फ्यूल कंजप्शन जैसी जानकारी प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि आपको इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलता। यामाहा एरोक्स 155 में आपको 155cc का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिलता है, जो कि यामाहा की R15 से ही लिया गया है और इस इंजन में आपको VVA यानी कि वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, जो कि आप यहां लिखा हुआ देख रहे हो, ये वही सेम VVA सिस्टम है या VVA टेक्नोलॉजी है जो आपको R15 में देखने को मिल जाती है। इसी वजह से इसका जो इंजन है वो आपको 8000 RPM पर 14.8 BHP की पावर देता है और 6500 RPM पर 13.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ कंपनी ऑयल कूल्ड सिस्टम भी यहाँ पर ऑफर कर रही है, यानी कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है। और साथ ही अगर इस स्कूटर की अगर हम टॉप स्पीड की बात करते हैं यानी कि पावर की बात करते हैं, तो लगभग 110 किलोमीटर पर आर की रफ्तार पर मैंने इसे दौड़ाया है और 115 से ऊपर आप इसकी टॉप स्पीड भी नाप सकते हैं। चलाने के दौरान अगर हम पहले राइड क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी कठोर नज़र आती है, लेकिन अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। स्पोर्टी हैंडलिंग आपको यहाँ साफ देखने को मिल जाती है और अगर आप ट्विस्टी रोड्स या फिर कॉर्नर्स पर चला रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता। कुल मिलाकर काफ़ी बैलेंस्ड और स्टेबल राइड ये आपको ऑफर करता है। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको 230mm की डिस्क मिल जाती है, साथ में सिंगल चैनल ABS भी आपको इसमें मिल जाता है और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, जो कि अच्छी खासी स्टॉपिंग पावर तो देता है, लेकिन अगर कंपनी इसमें ट्विन डिस्क ब्रेक का सेटअप दे देती तो हो सकता था आपको ज़्यादा बढ़िया ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती। सीट काफ़ी चौड़ी है और आरामदायक भी है, राइडर को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पिलियन राइडर के लिए सीट हाइट ज़्यादा देखने को मिल जाती है और यहाँ पिलियन उतना ज़्यादा आराम से नहीं बैठ पाता जितना राइडर बैठ पाता है, लेकिन पिलियन राइडर को आप यहां पर पीछे बिठाकर आसानी से राइड कर सकते हैं।
यामाहा एरोक्स 155 में काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन जैसे ही आप इसकी राइड पर निकलते हैं और इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं ना, तो आप उन सभी नेगेटिव पॉइंट्स को भूल जाते हैं। देखा जाए काफ़ी प्रैक्टिकल और एवरीडे स्कूटर है ये, आपको लगभग 35 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा माइलेज भी ऑफर कर देता है। और इस स्कूटर की खास बात यही है कि ये बेसिकली उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा जो कि बाइक ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन स्कूटर सिर्फ गियरलेस ट्रांसमिशन होने की वजह से खरीद लेते हैं। यानी कि आपके लिए गियर्स की भी झंझट खत्म और बाइक का भी भरपूर मजा मिल जाता है। भारतीय बाजार में देखा जाए तो यामाहा एरोक्स 155 की कीमत एक्स शोरूम 1,30,000 रुपए है और इसका मुकाबला वैसे तो अपने सेगमेंट में कोई भी नहीं है, क्योंकि अलग ही डिज़ाइन के साथ ये स्कूटर आता है, अलग ही परफॉर्मेंस के साथ ही आता है, लेकिन फिर भी हम इसका मुकाबला अप्रिलिया SR160 से मान सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि यामाहा एरोक्स 155 के बारे में जानना चाहते हैं।